स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से। इससे पहले हम 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बताए, जिनमें कि इससे जस्ट पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे अपोजिट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अपोजिट क्वेश्चन इसमें आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीका से उनको सॉल्व किया होगा, समझा होगा। और आज फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिसको आप जो है सॉल्व करने का एक बार कोशिश कीजिए। देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबका जो अपोजिट निकालना है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सबका अपोजिट निकालना है। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए एक बार अपोजिट निकालने का। कल जो बतलाए थे आप लोग, जो कल क्लास किए होंगे उसमें देखे होंगे कि जो अपोजिट कैसे निकाला जाता है। एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को अपोजिट निकालने के लिए, सबसे पहले हमको 27 में से जो रियल यहाँ वैल्यू है, रियल वैल्यू को 27 में से माइनस कर लेना। तो मेरा यहाँ पे रियल अल्फाबेट का जो है अपोजिट निकलेगा। जैसे ये है, आपको देख लीजिए उदाहरण के लिए, ए का यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3। अब सबको हम यहाँ ऐड कर लेंगे, सी का 3 सबको यहाँ ऐड करेंगे, 6। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया। अब जो है 6 किसका होता है, f का। यहाँ करना क्या है, 27 में से आपको 6 को माइनस कर लेना है। हमेशा 27 में से ही माइनस करना आपको रियल जो संख्या उनको, तब आपका जो अपोजिट निकल पाएगा। इसमें आपको अब 27 में से 6 को माइनस कर लेना है, आपका यहाँ आ जाएगा 21। और आप ट्रिक याद रखे होंगे, तो ट्रिक के माध्यम से 21 का जो है, 21 किसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आपको निकल जाएगा आसानी से। 21 मेरा होता है यू का, जो कि टी के जस्ट बाद आता है। टी का याद होगा 20 अगर याद है आपको, 21 का आपको याद होना चाहिए, टी के जस्ट बाद आता है यू। तो ये मेरा हो जाएगा यू, यानी ये दूसरे का अपोजिट है। देख लीजिए, एफ का अपोजिट हो गया यू, यू का अपोजिट हो गया आपको एफ। ये याद रखना है ट्रिक कभी मत भूलिएगा। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको है पी प्लस डी। पी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है आपको 16 और डी का होता है 4। इनको ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 4 20। ठीक है, ये 20 मेरा होता है टी का, ट्रिक के माध्यम से पता होगा आपको 20। अब इनको करना क्या है, 27 में से 20 को माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, इनका आपको निकल जाएगा 7। और 7 किसका होता है, मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 7 होता है मेरा जी का। और ट्रिक के माध्यम से भी आपको हम बतलाए थे तीसरे क्लास में कि जो जी, इनको क्या करना है, अपोजिट एक दूसरे का, टी और जी एक दूसरे का अपोजिट है, इनको पढ़ना है, याद कैसे रखना है। जीटी रोड भी एक फेमस है, उसके बाद उसके हिसाब से आप जीटी को याद कर सकते हैं, जीटी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे है आपको एम, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 13 और जे है जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10। तो इन दोनों को ऐड कर ले एक बार, तो आपको जो है 23। और 23 मेरा किसका होता है, अगर आपको ट्रिक पता है तो ट्रिक के माध्यम से इसका निकालिए, 23 का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होगा, 23 का अल्फाबेटिकल वैल्यू आपको हो जाएगा W। और इसको हमको अपोजिट में कन्वर्ट करना है, इसका अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 27 में से 23 को माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 4। और 4 किसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, D का। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, WD DW। ऐसे करके आप जो है याद कर सकते हैं सारा अल्फाबेटिकल अपोजिट वैल्यू को। अब आगे है आपको क्वेश्चन नंबर चार में ओ का होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 15 और सी का होता है 3। इन दोनों को प्लस कर ले एक बार, तो आपको हो रहा है 18। ठीक है दोस्तों, और 18 किसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू,
अगर ट्रिक याद होगा तो ट्रिक के माध्यम से इनको निकाल लीजिए आप, या तो टी से दो पहले आ जाइए या तो फिर जो है ओ के तीन बाद जाइए, आपका जो है इनका अल्फाबेटिकल वैल्यू निकल जाएगा। तो इनका हो जाएगा आपको आर। अब यहां निकालना है आपको 27 में से 18 को माइनस कर लेना है, तो क्या आएगा मेरा यहां 9, और 9 किसका होता है आई का। तो देख लीजिए आर और आई एक दूसरे का अपोजिट है, या तो आई आर कह सकते हैं आप या आर आई कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आसानी से इस माध्यम से आप जो है किसी भी अल्फाबेटिकल वैल्यू का अपोजिट निकाल सकते हैं कम समय में। आगे है पांचवा क्वेश्चन, हम देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है के, जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 11, और आगे है टी जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 20। अब दोनों को हम एक बार ऐड कर लें तो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आ जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया मेरे पास क्या, तो 31 और 31। देखिए 31 मेरा फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइए 31 का क्या हुआ, जब जो है मेरे पास अल्फाबेट 26 ही है तो 31 कहाँ से आ गया। तो इसमें करना क्या है, ज्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है आपको, जो है यहाँ पे है ये इसको कर लेते हैं, ये 31 आपको कैसे आ रहा है या 26 प्लस इसमें 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 26 तो मेरा जेड तक हो जाएगा, अल्फाबेटिकल अल्फाबेट मेरा 26 जेड तक हुआ। अब जेड से भी फिर 5 आगे जाना है, तो इसमें करना क्या आपको, जेड से आगे जाने के लिए फिर ए से शुरुआत करना है, ए बी सी डी ई, यानी 5 आगे हम गए तो मेरा ये इसका हो जाएगा 31 का अल्फाबेटिकल वैल्यू ई। क्या हुआ दोस्तों, 31 का अल्फाबेटिकल वैल्यू ई, और ई जब हुआ इनका जो अपोजिट निकालना फिर हमें, तो इनमें क्या करेंगे अपोजिट निकालने के लिए याद हुआ ट्रिक, तो यहाँ 31 है मैंने बताया है 27, हमेशा 27 में से माइनस करना है, 27 में से 31 को माइनस कर लेंगे सिंपल, 31 में से 27 को माइनस करते हैं तो मेरा यहाँ देखिए क्या निकल रहा है वैल्यू, यहाँ पे आपको मेरा आ रहा है 4 आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहुंच जाएंगे इसके पास आसानी से। यहाँ देखिए अब यहाँ 4 आया माइनस में, तो माइनस में 4 आया तो हम क्या करेंगे, हमेशा यहाँ ए के पास से जब भी हमको माइनस में जाना हो तो ए से हम माइनस में जाएंगे। ठीक है, प्लस में जब भी करना हो तो प्लस आगे बढ़ना होता है तो जेड के आगे प्लस होता है। ठीक है, हमको ए के पास से माइनस आ जाना है, ए है यहाँ, अब यहाँ से 4 माइनस होना है तो यहाँ हो गया 1 माइनस करेंगे तो जेड, फिर 2 माइनस करेंगे आपको तो वाई, 3 माइनस होगा उनके बाद ये डब्ल्यू हुआ। ठीक है, ये आपको हुआ, लेकिन इसमें करना क्या है आपको, ये मेरा रियल आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये मेरा रियल आंसर नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पे आपको जो है जब माइनस में आ रहे हो तो इसमें एक और इसमें आपको जो है प्लस करना होगा। ठीक है, तो माइनस में आ गया, चार ही चार माइनस किए, चार के जगह आपको 5 माइनस करना होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 से जस्ट एक पहले आ जाएंगे भी, ये मेरा हो जाएगा भी, यहाँ पे एक यहां कर लेंगे एक और इसमें मैनेज कर लेना है या 5 कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी, मेरा एक दूसरे का अपोजिट निकल गया ई बी, क्या हो गया ई और बी, ये याद रखिए एक दूसरे का अपोजिट है ई बी। अब चलते हैं
वो चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये आपको हो रहा है के प्लस एम। देखिए दोस्तों के प्लस एम, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जेड प्लस बी माइनस के। ठीक है दोस्तों, जेड प्लस बी माइनस के, इन दोनों को निकालना है आपको। के का वैल्यू आपको याद होगा 11 और एम का आपको याद ही होगा 13। ठीक है दोस्तों, अब इनको निकालिए एक बार। ये आपको हो रहा है 24 और 24 का आपको अल्फाबेटिकल मान याद ही होगा। 24 किसका होता है? 24 होता है मेरा एक्स का, 24 होता है मेरा एक्स का। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इसका अपोजिट निकालने के लिए 27 में से 24 को माइनस कर लेना, तो आपको आएगा क्या 3, क्या आएगा 3, और 3 होगा आपको C। और इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था इनको क्या करना है, आपको याद रखना है FC या CX, एक दूसरे का अपोजिट है, इसको आपको याद रखना CX करके, एंड CX CX इसको पढ़ना, क्या पढ़ना CX CX इसको कीजिए कहिए, ठीक ना, CX हुआ एक दूसरे का अपोजिट, इसको पढ़ना है CX। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, Z जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको है 26 और प्लस आपको है 2, फिर माइनस आपको देखिए यहाँ पे 11 हो गया है। ठीक, यहाँ पे आपको जो दे देते हैं, अब इनको एक बार कर लीजिए प्लस माइनस, तो आपको हो जाएगा इनका 17। क्या आ गया 17, और 17 किसका होता है? क्यूब का। इनको क्या करना है, 27 में से 17 को माइनस कर लेना है, तो आएगा यहां मेरा 10। ठीक है दोस्तों, क्या आया 10। अब जो है 10 किसका होता है, जे का, और मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया था ये जो आपको Q और J एक दूसरे का अपोजिट है JQ, इसको JQ पढ़ेंगे, याद कैसे रखना JQ 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 QJ याद कीजिएगा तो याद नहीं हो पाएगा और ना ही एक दूसरे का अपोजिट ध्यान में रहेगा, ठीक ना, इसको JQ याद करना है, बार बार आप अभ्यास कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा J और Q। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सारी क्वेश्चन को समझ में आसानी से आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए धन्यवाद। Thank you.